जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज है 31 मार्च और पे और पेंशन जितने धारक हैं उनके लिए आखिर क्यों है स्पेशल डे। आज संडे है फिर भी बैंक क्यों खुली हुई है और आपका आज लेखा जोखा तय होगा, आपके एपी फंड में क्या होगा, आपकी इनकम टैक्स में क्या होगा, आपके सैलरी का हिसाब किताब। और दूसरी बात करूंगा, कल है 1 अप्रैल जहां पर आपका एरियर के साथ आपके पेंशन का भुगतान होगा, पे का भुगतान होगा। और एक बड़ा लेटर है जो एमओडी का, जिसमें कहा गया है कि घायल सैनिकों को अब नौकरी मिलेगी उनकी शारीरिक स्थिति के मुताबिक। कौन सी घोषणा है और किसके लिए फायदा, देखे खबरें करते हुए सार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, 31 मार्च जैसे कि आप देख सकते हो आरबीआई का एक लेटर है जिसमें सभी बैंकों को आदेश और निर्देश दिए गए हैं कि आज बैंक ओपन रहेंगे, क्योंकि वित्त वर्ष का आखिरी दिन है और वित्त वर्ष का यानी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है और इस दिन होता है आपकी पे और पेंशन का हिसाब किताब और लेखा जोखा। यानी आपका फंड है उस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, वो फंड बढ़ के आपकी अगली आपकी पे स्लिप में जरूर रिफ्लेक्ट होगा कि पूरे साल में आपको कितना फंड कटा और उस पर कितना इंटरेस्ट मिला। और आज पे और पेंशन में इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। हाँ जी दोस्तों, पूरे साल का लेखा जो खाए तो उसके अंदर यदि आप जो उनकी लिमिट है उसके ऊपर आप ले रहे हैं तो इसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स कटेगा। और AICPN के आंकड़े भी आज होंगे जारी। यानी तीसरा पॉइंट है कि आज हम समझ सकते हैं कि AICPN के आंकड़े जो 28 को होने थे उसकी न्यूज है, लेकिन ये 31 मार्च को शाम को 6 बजे आएंगे कि जुलाई में 1 जुलाई में आपको कितना महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी, उसके फरवरी महीने के आंकड़े आज जारी होंगे दोस्तों। और शाम तक इसकी खबर आपको हर एक चैनल डाल देगा कि आखिर अभी 50% DA होगा तो जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं, फरवरी के आंकड़े 31 मार्च को आएंगे और इससे मिलाकर जुलाई में आपका कितना डीए होगा। तो आज का दिन रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर भी मैं कहना चाहता हूं आज बैंक खुली हैं, वो सिर्फ बाहरी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, सिर्फ आपके अंदर का लेखा जोखा करने के लिए। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर, यानी 1 अप्रैल और कल है दोस्तों 1 अप्रैल 1 अप्रैल। और इस दिन जैसे कि हमारे लिए PCDA से स्पर्श से मैसेज आ चुका है कि सभी पेंशनर्स का जो भी पेंशन है उनके खाते में कल 11 से 12 बजे के बीच में क्रेडिट होगी। यदि किसी का मैसेज नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका मोबाइल नंबर उसके साथ अपडेट नहीं है इस वजह से, लेकिन कल आपके खाते में 100% सभी के। कुछ बैंक्स हैं वो पहले कर देते हैं, कुछ रूरल बैंक हैं लेट हो जाती है, लेकिन शाम तक आपने करना होगा इंतजार। यदि किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसके एक दूसरे से फोन करके PCDA में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंस है ये आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक लेटर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है। द प्रपोजल इज रिगार्डिंग फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैडेट हु आर इनवैलिडेट फ्रॉम देयर ट्रेनिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड ड्यू टू कॉज अट्रीब्यूट टू या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री ट्रेनिंग। यानी ये उनके लिए प्रावधान है जो कि ट्रेनिंग में घायल हो जाते हैं उन्हें इनवैलिडेट आउट घर भेज दिया जाता है। और कहाँ की ट्रेनिंग में घर भेज दिया जाता है, यानी IMA की बात कर रहे हैं। यानी ये अफसर कैडेट्स के लिए जिनका मामला माननीय रक्षा मंत्री तक गया था और ये मामला उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी और उसका ऑफिशियल लेटर आज निकला है। अब उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या ऐसी सुविधा जवानों को मिलेगी, यानी इनवैलिड आउट होने के बाद पेंशन सबको मिलती है लेकिन इनको रोजगार, आज इनको रोजगार की बात कही तो हमारे क्या जवानों को DGR रोजगार देगा, यानी वो डिसेबल हो जाते उनको घर भेज दिया जाता है। एवरी ईयर यंग कैडेट जॉइन अकेडमीज ऑफ द आर्मड फोर्सेस वेयर द अंडरगो एकेडमिक एंड मिलिट्री ट्रेनिंग विद द प्राइम ऑब्जेक्ट एंड बिकम कमीशन अफसर इन द आर्मड फोर्सेस एज द एक्सटेंट रूल सच ए कैडेट इज ट्रीटेड एन अफसर ऑफ द आर्मड फोर्सेस ओनली आफ्टर कमीशन इज दे आर नॉट ट्रीटेड एज सर्विस अफसर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड टिल देयर कमीशनिंग पोस्टिंग। अब उन्होंने कहा है कि यदि वो जब तक ट्रेनिंग पीरियड में वो कैडेट रहते हैं वो कमीशन अफसर नहीं माने जाते हैं जब तक उनका पासिंग आउट परेड नहीं होती, लेकिन उसमें अब उन्होंने बदलाव किया है कि नहीं, यदि एक कैडेट है वो भी कमीशन लेके गया है यदि उसको इंजरी होती है इनवैलिड आउट होता है तो एक अफसर की तरह उसको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी DGR यानी डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट उसको जोनोकरी देगा। उन्होंने कहा है इट हैज बीन डिसाइडेड द DGR स्कीम मे बी कंसिडर्ड फॉर सच बोर्डेड आउट कैडेट इन व्यू देयर स्पेशल नीड्स। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखती हूँ DGR उनके ऊपर सहानुभूति करेगा, उन्हें नौकरी देगा। इन व्यू ऑफ द अबव ऑल प्रपोजल एक्सटेंडिंग बेनिफिट वेरियस रीसेटलमेंट स्कीम रन बाय द DGR हैज एग्जामिन्ड द डिपार्टमेंट हैड बीन अप्रूवल
बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट द रीसेटलमेंट स्कीम रन बाय डीजीआर मे बी कंसिडर्ड एज ए सच बोर्डेड आउट क्रेडिट द इश्यू विद अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने दिखाया। सुमन शर्मा अंडर सेक्रेटरी हैं और ये ऑनरेबल रक्षा मंत्री, ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री, ESW और सभी जो भी भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं, यदि बाकी यदि अफसरों के प्रति इतनी आपने मेहरबानी दिखाई रक्षा मंत्री जी, तो जवानों के ऊपर क्यों नहीं? यदि वो मान लो आपसे पूरे एक अकेडमिक का ट्रेनिंग एयर में 10 से 15 होते हो, यहाँ तो कई जो हमारे जवान हैं, कई आपने बहुत सारे अग्निवीर होंगे, कभी जो ट्रेनिंग हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में इंजरी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी इस DGR का प्रावधान होना चाहिए। वो भी देश की से उनका और इनके इंटेंशन में कोई फर्क नहीं, उनको और इनकी सेवा में कोई फर्क नहीं है, और उनको इनकी तकलीफ में कोई फर्क नहीं है, इनको इनकी इंजरी में कोई फर्क नहीं है, तो ये भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप धीरे धीरे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, इससे हम जरूर आते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे जवान है, उनको भी आने के बाद जैसी उनकी सेहत की कंडीशन है वैसी उन्हें सर्विस दी जाए। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।